आज जब अखिलेश जी ने एक शेर व शायरी से और गज़ल की पंक्तियों से शुरुआत की तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। और जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा आपके पूर्व मुख्यमंत्री का, जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा 6,000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूँ। क्या हिंदू हिंसक हो रहा है? भाजपा हिंसा की बात करती है, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है? कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है? ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, राहुल गांधी जी आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? सांसद के अंदर आपने शुरुआत की है, सांसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ाए? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत कही है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है, इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है, मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात ना करें, छत्तीसगढ़ के साझा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विस्पीकर, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित, परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है,
होकर स्वतंत्र कब चाहा है। मैंने कर लू जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है।